दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नोटबुक का बिजनेस कैसे होता है। बचपन में हम लोग तो नोटबुक यूज करते थे, नोट्स बनाते थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नोट पे ही करते थे। तो नोटबुक आखिर कैसे बनते हैं, क्या इसके प्रोसेस क्या है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या मशीन्स की जरूरत होते हैं, इन सारे बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि नोटबुक कैसे बनते हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो आज आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नोटबुक आखिर बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ मशीन्स की जरूरत होती है, उन सारी चीजें कहाँ से आती हैं, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया। उस रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि ये चीजें कहाँ कहाँ से आती है। तो आज मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो को आप लोग बस लास्ट तक देखिएगा, आखिर इसमें क्या क्या लगता है, क्या मटेरियल होती है, तो ये वीडियो को आप लोग देखते रहिए लास्ट तक, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हमेशा बिजनेस मॉडल लेके आए रहते हैं। और बात करें मुनाफा की, तो इसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 12 महीने ये बिजनेस चलने वाली है, इसमें मुनाफा काफी मुनाफा है। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा भी कि इसमें कितना। तो हमें 3 मशीन की जरूरत होगी, पहला है जो स्क्वायर मशीन, दूसरा पीटअप मशीन और तीसरा कटिंग मशीन। इन तीनों मशीन के मदद से हम लोग इस प्रकार का कुछ हम लोग नोटबुक बना के बाजार में सेल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रोसेस को समझते हैं पहले।
ये बहुत ही इजी चीज है, बहुत कोई बहुत बड़ा इसमें हम लोगों को इतना भी नहीं लगने वाला है स्किल वगैरह की जरूरत। और इस प्रकार का हम लोग नोटबुक बाजार में सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई प्रकार के नोटबुक आप दिख रहे हैं, ये सारे उस मशीन के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो अब दोस्तों इस बात करें कि आखिर ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू अगर कोई नोट्स 30 रुपए की बिक रही है तो आपको इजिली 25-20 रुपए में आ जाएंगी। तो अगर आप डेली 5,000 नोट्स भी बनाते हैं और एक पे 10 रुपए बचते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन का इनकम आपका कितना होगा। बाकी आप में इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और कुछ मैन पावर की जरूरत होती है। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, ये बिजनेस बहुत ही फाड़ू आइडिया है और इसका 12 महीना मार्केटिंग होती है। मैं एक बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ये बिजनेस हमेशा चलेगा, है ना। और ये बिजनेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप इसको बेच सकते हैं। तो इसमें कोई इस प्रकार का डर और भय की बात नहीं है। तो अगर आपके पास 3 से 4 या 5 लाख रुपए आपके पास है तो इस सेटअप को आप ले सकते हैं। और अगर आपको इस सेटअप की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और भी इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।